बात करेंगे व्हाई आर द फार्मर प्रोटेस्टिंग। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा कि मैम ये किसान क्यों बैठे हुए हैं, ये ऐसे सरकार इनकी बात क्यों नहीं मान रही है, ये ऐसे कोरोना काल में भी बैठा है, इन्होंने स्टैंड लिया है और ये हमारे किसान के सबका पेट भरते हैं आज यही ऐसे कंडीशन में क्यों। उसको देखते हुए जो किसान आंदोलन किसान के तहत जो अभिनंदन बनाए गए हैं उसे मैं थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में लेके आई हूँ ताकि आप छोटे बच्चे हो तो समझ सको इस बात को कि सरकार ने क्या रूल्स बनाए हैं जिनको लेकर किसान नाराज़ है और वो चाहते हैं कि उनमें चेंजेस आए ताकि वो अपने आप का जो शोषण हो रहा है उसे रोक सके। व्हाई आर द फार्मर प्रोटेस्टिंग, किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, इसमें हम वो देखें। पहला, सरकार ने जो बनाया है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। कमोडिटीज का मतलब होता है अमेंडमेंट, एसेंशियल अमेंडमेंट बिल बनाया है। एसेंशियल अमेंडमेंट बिल वो होता है जो आवश्यक वस्तुओं का अधिनियम या भंडार नियम होता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी बिजनेसमैन है या कोई भी बिजनेसमैन हो या फिर कोई भी जैसे किसान हुआ या कोई भी जो चीज सामान उगाने वाला हो वो प्रोटेक्ट वो उसको स्टोर करके रख सकता है। ये सरकार ने पता नहीं ये क्यों बनाया है, इसमें क्या होगा। अब जैसे कोरोना काल चल रहा था अभी बीच में, पर ये चीज़ हमेशा पहले ही क्या था, ये भंडार कर जो नियम था ये लागू नहीं होता था। कोई भी ना एक ज़्यादा स्टोर सामान नहीं कर सकता, परंतु अब सरकार लेके आ गई है कि कोई भी बिजनेसमैन है या कोई भी है वो सामान का स्टोर कर सकता है। अगर आप आलू के व्यापारी हैं तो आपने आलू उगाया है तो आलू आपके बहुत कंट्रोल में उगाया, तो आपके अब आपने आलू के जब आपने आलू उगाया तब आलू के रेट ज़्यादा थे, अब आलू का रेट कम हो गया तो आप आलू को स्टोर करके रख दीजिए, बाद में जब आलू का रेट बढ़ जाएगा तब आप उसे सेल कर दीजिए। इससे उन्होंने सरकार का कहना है कि किसानों को ज़्यादा फायदा होगा, पर सोचने वाली बात है कि किसानों के पास जब रहने के लिए घर नहीं है, किसान जब इतनी आत्महत्या कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में जब वो किसी चीज़ अगर फसल उगाता है तो उस फसल का स्टोर कैसे करके रखेगा, कहाँ पे स्टोर करेगा, क्या इतना स्पेस उसके पास अवेलेबल होगा। अब आलू वगैरह जब ऐसी कुछ चीज़ें उगाई जाएंगी तो उससे ख़राब हो रहे, क्या वो उनको कोल्ड करके रखना, कोल्ड एनवायरमेंट क्रिएट करना, इतने सारे पेस्ट कंट्रोल वगैरह अपने कराने पड़ते हैं, क्या वो इन सब का खर्चा अफोर्ड कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो फ़ायदा होगा वो बड़े बड़े बिजनेसमैन को होगा, जिन्होंने बड़े बड़े गोदाम के अंदर वो सामान का स्टोर कर देंगे और मार्केट में कालाबाजारी फैल जाएगी क्योंकि उस चीज़ की शॉर्टेज आ जाएगी और फिर उसी की कीमत बढ़ जाएगी, जो बाद में फिर महंगी कीमत में हम लोगों को ट्रैवलिंग करनी पड़े, हम लोगों को सफर होगा और हम लोग उसे खरीदने के लिए हमें काफ़ी एफर्ट लगाने पड़ेंगे और ज़्यादा अमाउंट पे करना होगा। सेकेंड रूल जो बनाया है इन्होंने, फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड इंश्योरेंस एश्योरेंस एंड फेम सर्विस भी। इसके तहत ये है कि मूल आवश्यक या बंदोबस्त और सुरक्षा समझौता होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। इसमें क्या है कि जैसे सपोज करो अगर आप चावल के व्यापारी हो, जैसे आपने सुना होगा इंडिया के चावल काफ़ी पॉपुलर है, उसके व्यापारी हो, अगर आपको चावल चाहिए तो आप चावल के लिए क्या करोगे कि जहाँ पर चावल की खेती होती है, जो स्टेट चावल ज़्यादा उगाती है उन स्टेट के अंदर जाओगे, उन किसानों को बोलोगे और पूरा का पूरा जो गांव की जो एक तो खेत तो आप लोगे नहीं, पूरे पूरे गांव के साथ में एग्रीमेंट हो जाएगा और एग्रीमेंट के तहत आप उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे कि हम आपका जो चावल है वो 50 रुपये की रेट के हिसाब से लेंगे, आपने फिक्स कर लिया और किसान भी एग्री हो जाएगा, हाँ ठीक है आप उसे इस रेट से ही चावल खरीद लेना। अब उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो सरकार ने कहीं पर भी ये नहीं रखा है कि अगर उस कॉन्ट्रैक्ट से जो बिजनेसमैन है वो मुकर जाएगा तो उसे क्या पनिशमेंट देनी पड़ेगी, क्या अगर सपोज करो मार्केट में उस समय चावल का रेट अगर डाउन है तो वो 50 में क्यों खरीदेगा, ऐसे का कहीं बंदोबस्त नहीं किया गया। ऊपर से इसमें जो रखा गया है वो मंडी के लोगों को रखा गया है, तो ऐसे में अगर किसान एग्रीमेंट करता है और अगर वो नहीं एग्री होता है, पहले उसने एग्रीमेंट कर लिया, अब प्राइस बिफोर द फार्मिंग है, ये जो फार्मिंग है उसमें पहले के पैसों का है, तो अगर बाद में जब फसल आती है और अगर वो नहीं देता करता तो उसके लिए कहीं भी कोई सरकार ने रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाए कि अगर किसान के वो एग्रीमेंट से कैंसिल करता है तो उसे क्या कर सकते हैं, किसान अपना फीवर कैसे रख सकता है, ये नहीं है। इसके अंदर अगर ग्राम पंचायत के गांव के लोगों को इनपुट किया होता आई थिंक ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता, क्योंकि इससे क्या होता गाँव के जो लोग हैं वो कल को अगर एग्री नहीं अगर बिजनेसमैन मुकर जाता है तो गाँव के लोग गाँव के लिए स्टैंड ले सकते थे, जो पर वो जो पर जो पंचायत का सरपंच होता है वो हुआ, ग्राम प्रमुख हुआ, मुखिया हुआ, ये उसके लिए स्टैंड ले सकते हैं। हमने फर्स्ट सेक्शन में देखा कि किस तरह से पहले वाले में भंडारा करने की परमिशन सरकार ने दी, दूसरे वाले में देखा कि जो भंडारा करने की
सरकार ने खुद परमिशन दी है तो अब हम इसके ऊपर कोई वो भी कुछ बैन भी नहीं लगा सकते। पहले तो ये कालाबाजारी को रोका गया था, अब उसको खुलेआम सरकार बढ़ावा दे रही है। सेकेंड जो हमने देखा उस पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आ रही थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग काफ़ी हद तक सही भी है किसानों के लिए, किसानों को इधर उधर नहीं भगना होगा, एक साथ गाँव का कॉन्ट्रैक्ट होगा, अपने आप जो कंपनी होगी वो अपनी गाड़ियाँ वहाँ लगाएगी, वहीं से सामान एक साथ तुलवाएगी और उसके तुरंत तुरंत पैसे दे के वहाँ से चली जाएगी। पर इससे क्या होगा कि कंपनी जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर घुसेगी, यानी कंपनी क्या करेगी धीरे 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 अपना प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो सारे कॉन्ट्रैक्ट किसान नहीं समझ पाएंगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में होते हैं वो, तो ऐसे ही इसमें कई बार हो सकता है कि फार्मर्स का शोषण भी हो जाए। जो जो मीडियम जो फार्मर होते हैं जहाँ जिनकी इतनी नॉलेज नहीं होती है वो भी इसके उनका शोषण का शिकार हो सकते हैं। तीसरा जो बताया जा रहा है रूल वो है कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य, इसके अकॉर्डिंग जो किसान है उसको ऑल इंडिया में कहीं भी सेल करने का अधिकार है। जैसे सपोज करो अगर वो जैसे प्याज है, प्याज महाराष्ट्र वगैरह में अगर ज़्यादा यूज़ की जाती है, अगर हम तो हम उत्तर प्रदेश वाले जो लोग हैं वो महाराष्ट्र में सेल कर सकते हैं। अब सोचो कि ये सरकार कह रही है, क्या किसान इतना कैपेबल है कि अपना सामान वो ऑल इंडिया में कहीं भी बेच दे? इतना कैपेबल नहीं है, क्योंकि वो स्टेट भी चेंज नहीं कर पाता, तो ऑल इंडिया तो मतलब एक डिस्ट्रिक्ट को पार नहीं कर पाता, जब वो डिस्ट्रिक्ट पार नहीं कर पाता स्टेट चेंज करना तो बहुत मेजर वाली बात है। अब दूसरा जो सरकार है ना मंडी के जो APMC जो होती है एग्रीकल्चर के जो कनेक्टेड है इसके बाद इस पर इंटरफेयर कर रही है। इसके जो बिचौलियज होते हैं, जो बिचौली का काम करते हैं, जो फसल लेके आते हैं किसान उनकी फसलों को बिकवाते हैं, उसको हटाने की बात कर रही है। अब इसमें क्या, जब हरित क्रांति आई हमारी ग्रीन रिवोल्यूशन जब आया तब ये APMC बनाई गई थी, इसमें मंडियाँ बनाई गई थी, मंडियों में किसान अपना अनाज लेके आता है, वो गवर्नमेंट से कनेक्टेड होती है, वो वहाँ पर गवर्नमेंट के पैसे फिक्स होते हैं कितने आपको इसमें लेनी है। वहाँ पर बहुत सारे कम से कम 40-50 बिचौलिए होते हैं जो एक बोली लगाते हैं आपके सामान की, और उसके बाद जो किसान को जो सही लगता है किसान उसे वो बोली वो सामान उसे दे देता है। ऐसे में सपोज करो जैसे मैं अब मैं टमाटर की मैंने खेती की है, टमाटर की खेती करी, अब टमाटर अब मैं गली गली में जाके तो नहीं बेच सकती, तो अब जब गली गली में हम नहीं बेच सकते उसको तो क्या होगा, वो अगर वो ऐसे ही रखे रहेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगे। अब कंपनी से तो हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता, किसान कंपनी से तो इतना जानता नहीं हो कंपनी वाले लोगों को, ना ही कंपनी वाले लोग इतनी इजीली उसे मिलेंगे, तो ऐसे में क्या होता था कि वो क्या, और अगर वो किसान शहर में रह के सामान बेचता है अपना तो उसे उतने दिन तक शहर में रहना होगा, खाने पीने का खर्चा, रहने का नया खर्चा सारा आएगा, तो ये भी उसके लिए बहुत कॉस्टली हो जाएगा। तो ऐसे में किसान क्या करता था कि मंडी में जाता था और मंडियों में जाता था, मंडी में ये बिचौलिए होते थे, बिचौलियों से कॉन्टेक्ट करता था और सारे बिचौली उसकी बोली लगाते थे, और फिर जिसकी उसे सही लगता था वो उसे अपना सारा टमाटर का वो बेच के और पैसे लेके अपने घर चला जाता। ऐसे में उसका काम जल्दी हो जाता था और फ्री हो जाता था। अब ये जो बिचौलिए थे ये अपना गोदाम बनाते हैं, उस गोदाम में उस टमाटर को स्टोर करते, बाद में कंपनी को अपनी दुगनी तिगनी जो जो इनको सुटेबल लगता है, जिसके हिसाब से इनका बिजनेस बैठता है उसके हिसाब से उसे बेच देते हैं। इस तरीके से चला। अब धीरे 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 चीज़ें चेंज होने लगी और इन बिचौलियों ने क्या किया, साठ काट कर ली, और अब ये क्या करते हैं पहले से बातचीत करके रखते हैं, और जब किसान आता है तो उसकी कीमत पहले से डाउन कर देते हैं। सपोज करो जैसे टमाटर मार्केट में 40 चल रहा है और ये पहले से बोल देंगे हम तो 10 लेंगे, अब 10 के अकॉर्डिंग बोली लगाई जाएगी तो यानी 12-13 तक निपट जाएगा। अब 12-13 तक जब निपट जाएगा तो किसान क्या करेगा, हार कर भर तो ले जाएगा नहीं, और उसे 12-13 की कीमत पर ही देना पड़ेगा, और वो बिचौलियों को 12-13 की कीमत पर देके चला जाएगा। इससे क्या होता है, इससे क्या हो रहा था कि किसानों का शोषण होता, एक्सप्लोटेशन हो रहा था, सरकार इसे एक्सप्लोटेशन को बचाना चाहती है। इस वजह से वो कह रही है कि आप है ना ऑल इंडिया में कहीं भी बेच सकते हो, आपको इसमें मंडी में आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। दूसरा वो इन बिचौलियों को हटा रही है। अब बिचौलियों का कहना ये है कि जो हमने गोदाम बना है वो क्या होगा, उनका क्या होगा अगर आप हमें हटा दोगे तो, और एक तरह से किसान भी मना कर रहा है कि इन मंडियों को और इन बिचौलियों को ना हटाया जाए क्योंकि इससे हमारा काम आसान हो जाता है। बेशक MSP जो होती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, इसे गवर्नमेंट लॉन्च करती है, गवर्नमेंट इज अनाउंसिंग ए मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP फॉर 24 मेजर क्रॉप, गवर्नमेंट 24 क्रॉप्स के ऊपर MSP देती है ना। पर क्या होता है कि जब MSP देती है तो इसके जो कर्मचारी होते हैं जो गवर्नमेंट जो अनाउंस करती है FCI के लोग होते हैं, FCI के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं जब किसान इनके पास आता है, जैसे हमने पहले ही गेहूं की फसल उगाई उससे पहले ही गेहूं के रेट फिक्स हो गए कि गेहूं 25 रुपए किलो जाएगा, तो सर गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि गेहूं की कीमत कितनी हो गई 25 रुपए,
ठीक है, अब क्या होगा, किसान किसके पास जाए, अब किसान पहले मंडी गया, मंडी में पता चला कि गेहूं क्या रेट है, तो मंडी वालों ने बोला कि हम तो 12-15 रुपए किलो ले रहे हैं। किसान आया गवर्नमेंट के पास, FCI के पास, FCI गोदाम में आया, ये FCI की गोदाम होते हैं, गोदाम में आया, उसने बोला कि MSP तो 25 फिक्स हुई है गेहूं की, तो मेरे गेहूं 25 रुपए किलो के हिसाब से ले लो। ये FCI वाले जो लोग होते हैं ये बहुत करप्शन वाले लोग होते हैं, ये भ्रष्टाचार करेंगे। तो ये क्या करते हैं कि किसान को बोलेंगे कि नहीं अभी तुम्हारे पास कट्टे खाली नहीं है, जगह नहीं है गोदाम में, आप कहीं और जाके दो। तो ऐसे में किसान मजबूर हो जाएगा और फिर उसे कहाँ जाना पड़ेगा, मंडी में जाना पड़ेगा। जब वो मंडी में जाएगा तो वहाँ पर उसे 15 रुपए किलो गेहूँ बेचने पड़ेंगे। जब वो 15 रुपए किलो गेहूँ बेचेगा तो बेचने के बाद फिर जब वो जाएगा तो ये FCI वाला दोबारा पहुँचेगा और उसी पन्ना को 16-17 के हिसाब से खरीद के अपने गोदाम में भर लेगा। तो ऐसे में क्या करेगा, और यहाँ पर शो कर देगा 25 रुपए किलो गेहूँ, और जो पैसा बचेगा वो अपनी जेब में चला जाएगा। तो बेशक किसान कह रहे हैं MSP का, पर MSP का पूरा यूज किसानों को नहीं मिल रहा है, पर फिर भी किसान चाहते हैं कि MSP रहे। मोदी जी भी कह रहे हैं MSP रहेगा, MSP नहीं हटेगा, परंतु MSP इतनी वैल्यू नहीं रखता। गवर्नमेंट क्यों हटाना चाहती है ये चीज़ें, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, 25 के हिसाब से उस गेहूँ को खरीद रही है, और फिर 3-4 रुपये 2-3 रुपये के हिसाब से वो गरीबों को बांटना होता है। इसमें काफ़ी मिलियंस करोड़ लोग का सरकार को घाटा होता है। तो सरकार इस घाटे से बचाने के लिए ये काम कर रही है, ताकि सरकार को ये घाटा ना हो, उस घाटे को बचाने के लिए ये रूल्स लगाए गए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, गुड बाय बच्चा।